तो दोस्तों आज आइए हमारे पास में वॉक्सवैगन की पोलो डीजल गाड़ी के अंदर पिकअप कम है। जो हाई अर्जेंट पिकअप रहता है वो पिकअप बिल्कुल नहीं है और ब्लैक स्मोक भी है गाड़ी के अंदर। जब गाड़ी हम खींचते हैं तो ब्लैक स्मोक आता है और ब्रेक लगाने पे थोड़ा सा पेडल में वाइब्रेशन आ रहा है। ये फुल एक्सीलेटर मैंने दबा रखा है, जो एकदम लपक रहना चाहिए वो लपक बिल्कुल भी नहीं है। और ये ब्रेक दबाए तो ये देखो स्टेयरिंग पे वाइब्रेशन आ रहा है और हमारा पेडल भी वाइब्रेशन कर रहा है। ये ब्रेक दबाए और ये स्टीयरिंग पूरा वाइब्रेशन करने लग जाता है। कस्टमर का कहना है कि इसमें ऑयल भी कम हो जाता है, एक आध हफ्ते में ये एक लीटर ऑयल डालते हैं इंजन के अंदर और फिर वापस से हमारा गेज कम हो जाता है। तो ऑयल किस कारण से कम हो रहा है ये भी हम चेक करेंगे। पूरा करा था इसमें ये देखिए हमारे टर्बो बहुत ज़्यादा ऑयल उठा रहा है। हमारे इंजन में ब्रेक नहीं है, इंजन बिल्कुल नॉर्मल है, उसके बाद भी हमारा टर्बो ऑयल उठा रहा है। एयर फिल्टर वगैरह सब चेक कर लिया, एयर फिल्टर भी क्लीन है तो टर्बो भी खुलवाते हैं इसका। तो हमारा इंजन में ऑयल कम होने का कारण टर्बो, क्योंकि इतना इंटरकूलर में ऑयल अगर भरा हुआ है तो जाहिर सी बात है इंजन में ऑयल तो कम होना ही है। तो इसका टर्बो चेंज करेंगे हम और हमारी टाइमिंग वाली सील भी लीकेज है वो भी चेंज करेंगे और चेंबर हमारा एमसील लगी हुई है, चेंबर भी पूरा बेल्डिंग करवाएंगे या दूसरा डालेंगे। ये हमारा पूरा बैक साइड में एमसील भरी हुई है चेंबर के अंदर, तो एमसील साफ करवा के बेल्डिंग करवाते हैं। और ये हमारी टाइमिंग सील, ये नीचे वाली सील पूरी लीकेज है, ऑयल सील भी डालेंगे। और ये हमारा टर्बो गाड़ी वाला, और ये हमने सेकंड में टर्बो मंगाया है, तो नया तो बहुत महंगा है इसका टर्बो, ओरिजिनल टर्बो पूरा इंजन में तो खुलवा के मंगवाया है तो ये चेंज करेंगे। तो ये हमारी लोअर आर्म में बहुत ज़्यादा पिले आ रही है, इसकी वजह से भी हमारे टायर में वाइब्रेशन आएगा। जिस टाइप से हम ब्रेक मारेंगे तो ये टायर हमारा थोड़ा सा बबलिंग करेगा। और ये हमारे डिस्क रूटर, इसकी वजह से भी हमारा पेडल पे वाइब्रेशन जो आता है, डिस्क रूटर भी हमारे पूरे ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि इसमें फेसिंग कराने जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि एक लाइन पूरी डैमेज हो गई है इसकी। ये बुशिंग भी हमारी ख़त्म है तो इसमें लोअर आर्म डालेंगे और डिस्क रूटर। तो हमने ओरिजिनल लोअर आर्म मंगवाई है। कंप्लीट लोअर आर्म में ये इसकी थिकनेस देखिए, ये कितनी ज़्यादा डाउन हो गई है और वो कितनी मोटी है नई वाली। और ये हमारा क्लच प्रेशर, PSC का ओरिजिनल क्लच प्रेशर डालेंगे। हाँ
तो दोस्तों गाड़ी हो गई हमारी कंप्लीट, अब लेते हैं इसकी ट्रायल। अर्जेंट पिकअप और हमारा ब्रेक पेडल पे वाइब्रेशन आ रहा था, चेक करते हैं। गाड़ी पूरी हमारी साउंडलेस उठ रही है। अब हमारे स्टीयरिंग पे भी कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है।